हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटेटिव गाइडर। कॉम्पिटेटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ के चैप्टर नंबर 3 ग्राम गीत का मर्म, जिनके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु, सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। और इस वीडियो का आप लोगों को यदि PDF चाहिए तो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कैसा लगता है आप सभी को यह वीडियो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने और भी दोस्तों के पास शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए तो हम लोग आज के सेशन में बात करते हैं कि सबसे पहले हम लोग प्रश्न उत्तर देखने से पहले आप लोग इस चैप्टर की कुछ खासियत को जान लें। तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, इस चैप्टर में आपको कुछ यहाँ पे शब्द निधि दिए गए हैं, तो इन सभी शब्द निधियों को आपको समझ में आना चाहिए, तभी आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आएगा और आप उसको अच्छे से समझ करके अपने मंतव्य के अनुसार उसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको लिखा गया है दंत कथा, तो यहाँ पे दंत कथा का मतलब क्या होता है आप यहाँ से आसानी से इसको दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दंत कथा का मतलब लिखा है कि वह लोक प्रचलित कथा जिसका कोई तथ्यपूर्ण पुस्तकीय आधार ना हो। फिर उसी प्रकार से संहति, तो समुच्चय जिसका मतलब होता है एकत्र होना होता है। आलोचना, जिसमें आलोचना का मतलब होता है गुण दोष निकालना, किसी में गुण उस किस तरह के दोष है उसको निकाल देना, मूल्यांकन करना, गुण दोष का मूल्यांकन करना आलोचना कहलाता है। फिर उसी प्रकार से प्रत्यवर्ती की बात करें तो इसका मतलब बाद होता है। उसी तरह से अस्त्रैण की बात करें तो अस्त्रैण का मतलब होता है स्त्री प्रकृति से युक्त, और इस वर्ड का हम लोग यूज भी करेंगे प्रश्न उत्तर में। तो आप सभी को ये सभी शब्द आने जरूरी है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा और आगे हम आपको बता दें कि इसमें करीब करीब 20 या 25 होंगे, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तिरोहित, तिरोहित का मतलब बहुत से बच्चे को समझ में नहीं आता है, तो तिरोहित का मतलब क्या हो जाता है, लुप्त। तो चलिए इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा और इसको जरूर से जरूर देखिए, उसके बाद आप प्रश्न उत्तर हल करें और साथ में इस वीडियो के माध्यम से आप उसको समझने की कोशिश करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट में यहाँ पे कहा गया है कि ग्राम गीत का मर्म निबंध में व्यक्त सुधांशु जी के विचारों को सार के रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पे आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि सार कहने का मतलब क्या है, तो सार यहाँ पे कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि आप शुरू से स्टार्ट करिए और अंत तक के लिखिए कि आखिर इस निबंध में सुधांशु जी क्या बताना चाहते हैं इस निबंध के माध्यम से। तो आप ध्यान देखिए यहाँ पे हमने उत्तर में आपको डालने की कोशिश किया है, आप इसको जरूर पूरे तरीके से देखिए और समझिए। हमने लिखा है कि प्रस्तुत पाठ लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। सबसे पहला आपको ये समझ में आना चाहिए कि यह एक निबंध है जिसका नाम है ग्राम गीत का मर्म। प्रस्तुत निबंध में सुधांशु जी ने ग्राम गीत के मर्म का उद्घाटन काव्य और जीवन में उसके महत्व का निरूपण किया है। ध्यान रखिएगा ये किस चीज को इन्होंने निरूपण किया है, तो काव्य और उस जीवन में जो महत्व है उस चीजों को इन्होंने यहाँ पे निरूपित किया है, यानी निरूपण कहने का मतलब लिखा है, और ये निरूपण का मतलब आपको शब्दकोश में आपको समझ में आ जाएगा। फिर आगे कहा है कि ग्राम गीत का उद्भव और उसकी प्रकृति का अनुसंधान करते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया है कि जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीतों में है मिलता है, उतना परवर्ती कालों के गीतों में नहीं। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि इन्होंने क्या कहा था, किस चीज़ के लोग लेकर इन्होंने यह निबंध लिखा है, तो इन चीज़ों को प्यारे बच्चों हम लोग सार कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि जीवन का आरंभ जैसे शैशव है वैसे ही कला गीत का ग्राम गीत है, लेखक के इस कथन का क्या आशय है। देखिए यहाँ पे कहा गया है, एक आपको यहाँ पे पंक्ति दे दिया गया है कि जीवन का आरंभ जैसे शैशव है वैसे ही कला गीत का ग्राम गीत है, कला गीत का ग्राम गीत है, लेखक के इस कथन का क्या आशय है। प्यारे बच्चों सबसे पहले आप लोगों को ये चीज आपको पता
चाहिए कि शैशव का मतलब क्या होता है। तो शैशव का प्यारे बच्चों मतलब होता है बचपन यानी बच्चा। तो यहाँ पे हमने देखिए लिखा है उत्तर में और इसको आपका आ से स्पष्ट करना है। तो देखिए हमने उत्तर में लिखा है कि प्रस्तुत पंक्ति लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी के द्वारा लिखित एक राम गीत का मम्र पाठ से उद्धृत है। यह एक पंक्ति है, आप ध्यान रखिएगा। इसमें लेखक ने कला गीत और राम गीत का संबंध जीवन से उद्घाटित किया है। हमने ऊपर के भी क्वेश्चन में सार के रूप में भी बताया था कि इसमें कला गीत और राम गीत का संबंध बताया गया है, जो जीवन से लेकर उद्घाटन किया गया, जीवन को लेकर बताया गया है। सुधांशु जी ने बताया है कि जिस तरह जीवन का आरंभ बचपन से होता है, उसी तरह ग्राम गीत का जो संभवतः वह उसी तरह ग्राम गीत संभवतः वह जातीय आंसू कवित्व तत्व है जो कर्म और क्रीड़ा स्थल पर रचा गया। ध्यान रखिएगा, जो ग्राम गीत होता है वह किस चीज़ पे रचा गया है, तो आंसू कवित्व जातीय के आधार पे। और यह एक यहाँ पे क्रीड़ा लिख लीजिएगा, तो क्रीड़ा स्थल पर रचा गया है। जिस तरह से बचपन का आरंभ या जीवन का आरंभ बचपन से किया जाता है। तो इसमें हमने लिखा है कि गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन नहीं है। इसके माध्यम से सुधांशु जी ने दार्शनिक विचारों को हमारे सामने रखकर सत्य को उजागर किया है। तो इस चीज को आप अपने प्रश्न में लिख दीजिएगा, तो उम्मीद है आपका मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। और प्यारे बच्चों, जहाँ तक मेरी नॉलेज है या जहाँ तक मेरी मानना है, आप अपने ही शब्दों में उत्तर को लिखे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत कारगर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि गृहस्थ कर्म विधान में स्त्रियां किस तरह की गीत गाती हैं। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि ये जो गृहस्थ शब्द है इसको मतलब क्या होता है। तो गृहस्थ कहने का मतलब वह जीवन होता है, वह समय होता है जिसमें स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथ मिल करके अपने जीवन का निर्वहन करते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग गृहस्थ जीवन कहते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें जो स्त्रियां होती हैं वह किस तरह की गीत गाती हैं। तो हमने यहाँ उत्तर में लिखने की कोशिश किया है कि गृहस्थ जीवन में स्त्रियां अपने कामों को हल्का करने के लिए, जैसे चक्की पीसते समय, धान काटते समय, सॉरी धान कूटते समय और चरखा काटते समय तथा अन्य शारीरिक श्रम को हल्का करने के लिए जो गीत गाती हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं गृहस्थ जीवन का गीत। ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि मानव जीवन में ग्राम गीतों का क्या महत्व है। आपको बताना है कि मानव जीवन में ग्राम गीत का क्या महत्व है। तो हमने यहाँ पे बताया है कि मानव जीवन में ग्राम गीतों का महत्व मुख्य रूप से पारिवारिक जीवन से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाएगा एक एक शब्दों में उत्तर के लिए, तो आप ध्यान रखिएगा कि मानव जीवन में ग्राम गीत का जो महत्व है वह पारिवारिक जीवन से है। पारिवारिक जीवन को जीने के लिए ग्राम गीत का महत्व है। ग्राम गीतों का महत्व मानव जीवन में पुरुष और स्त्रियों में अलग अलग है। पुरुष और स्त्रियों के गीतों के तुलनात्मक अध्ययन में ग्राम गीतों की प्रकृति स्त्रैण है। यहाँ पे देखिए एक शब्द छूट गया, स्त्रैण, और स्त्रैण का मतलब आप इसका शब्द आप यहाँ से देख सकते हैं, इस चीज़ से यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्त्रैण का मतलब क्या होता है। और हमने बताने का कोशिश भी किया है कि स्त्रैण का मतलब क्या होता है, और आपको पुस्तक में भी दे रखा है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके। देखिए यहाँ पे स्त्रैण का मतलब होता है स्त्री प्रकृति से युक्त। ध्यान तो स्त्रैण ही रही है। पुरुषत्व का देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है। यहाँ पे होगा कि पुरुषत्व का आकर्षण उन पर नहीं किया जा सकता है या उस पर आक्रामक नहीं किया जा सकता है। स्त्रियों ने जहाँ कोमल भाव की अभिव्यक्ति की है, वहाँ पुरुषों ने अवश्य अपने संस्कार बस प्रेम को प्राप्त करने के लिए युद्ध घोषणा की। इस प्रकार मनुष्य की दो सनातन प्रवृत्तियाँ प्रेम और युद्ध का वर्णन भी ग्राम गीतों में मिल जाता है। तत्वतः ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं। इसलिए मानव जीवन में ग्राम गीतों का बहुत ही महत्वपूर्ण या व्यापक आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं, आसे स्पष्ट करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि प्रस्तुत पंक्ति लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी के द्वारा लिखा गया ग्राम गीत का मम्र पाठ से उद्धृत है। इसमें लेखक ने ग्राम गीतों के उद्गम स्थान की खोज बड़े ही मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक ढंग से किए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो उद्घाटन उन्होंने किया है वह मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक ढंग दोनों से ही इन्होंने किया है।
लेखक कहते हैं कि अस्त्रियों में जहाँ कोमल भावों की ही अभिव्यक्ति की, वहाँ पुरुषों ने अवश्य ही अपने संस्कार बस प्रेम को प्राप्त करने के लिए युद्ध की घोषणा किया है। फलस्वरूप ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं। इसकी उद्भावना व्यक्तिगत जीवन के उल्लास विषाद को लेकर भले ही हुई हो, किंतु मानव जातीयता में उसकी सारी व्यक्तित्व विशेषता अंतर्निहित हो गई है। उनकी अपूर्व इसी बात में है कि वह व्यक्ति को साथ लेकर भी उसको प्रधान ना रख उपलक्ष्य बनाकर भावों की स्वाभाविक मार्मिकता के साथ अग्रसर हुए हैं। तो इसका आशय हमने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया। प्यारे बच्चों, ग्राम गीत की जो प्रकृति है वह मुख्य रूप से अस्त्रैन ही रही है और अस्त्रैन भी रहेगी। आगे बढ़ेंगे तो आगे के क्वेश्चन में है कि कला गीत और ग्राम गीत में क्या अंतर है। तो हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश किया है कि कला गीत और ग्राम गीत में निम्नलिखित अंतर है, जिसमें हमने क पॉइंट में लिखा है कि ग्राम गीत में प्रकृति और संकल्प का विधान था, जबकि कला गीत में उसकी समुचित करना उचित नहीं माना गया। यानी ग्राम गीत था उसमें प्रकृति और लिखा गया नियम था, लेकिन कला गीत में ऐसा चीज नहीं है। फिर उसके बाद ख में हमने लिखा है कि ग्राम गीत में रचना की प्रकृति जो अस्त्रैन थी, वह कला गीत में आकर कुछ पौरुषपूर्ण हो गया। यानी कहने का मतलब, ग्राम गीत की जो रचना की जाती थी वह अस्तेरी को लेकर के की जाती थी, लेकिन वही कला गीत जब आया तो उसमें कुछ ऐसे जो गीत आए जो पौरुष के ऊपर हो गए। क्वेश्चन नंबर सॉरी अगला हमने अंतर लिखा है कि ग्राम गीत में स्त्री की ओर से पुरुष के प्रति प्रेम की जो असंतता थी, वह कला गीत में बहुधा पुरुष के उपक्रम के ऊपर परिवर्तित होने लगी। यानी कहने का मतलब, इस ग्राम गीत में स्त्री की ओर से पुरुष के प्रति जो प्रेम थी, वह कला गीत में बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलेगा और यह बहुत परिवर्तित अधिक रूपों में होने लगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम गीत का विकास कला है। पठित निबंध को ध्यान में रखते हुए उसके विकास प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। तो यहाँ पे ग्राम गीतों से ही कला गीतों का विकास हुआ है, ध्यान रखना है आपको। ग्राम गीत से ही किसका विकास हुआ है? कला गीत का विकास हुआ है। इसमें संदेह नहीं है कि ग्राम गीतों से ही काल्पनिक तथा वैचित्र्यपूर्ण कविताओं का विकास हुआ है। कला गीत में के अंतर्गत मुक्तक और प्रबंध काव्य दोनों का समावेश है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके इतिहास अनुसंधान करने पर ग्राम गीतों पर ही आकर ठहरना पड़ता है। यही ग्राम गीत क्रमशः सभ्य जीवन के अनुक्रम से कला गीतों के रूप में विकसित हो गया है, जिसका संसार अब तक वर्तमान है। ग्राम गीत भी प्रथमतः व्यक्तिगत उच्छ्वास और वेदना को लेकर उद्धृत किया गया, किंतु इन भावनाओं में समष्टि का इतना प्रतिनिधित्व किया गया कि उनकी सारी ये सभी चीज आप अपने पीडीएफ के माध्यम से देख सकते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो पॉज कर करके आप लोग डाउनलोड भी लिख भी सकते हैं। ग्राम गीतों में प्रेम दशा की क्या स्थिति है, पठित निबंध के आधार पर आपको उदाहरण देते हुए समझाना है। तो हमने यहाँ पे समझाया भी है कि ग्राम गीतों में प्रेम दशा जितनी व्यापकत्व विधानी होती है, जीवन में इतनी कोई स्थिति नहीं है। बिरहा कुल कहने का मतलब, वियोग में जो पुरुष होते हैं वह पशु पक्षी लता ध्रुव सबसे अपनी प्रिया यानी जिसे वे प्यार करते हैं उनका पता पूछते हैं, किंतु क्रोध जो मनुष्य क्रोध में रहता है वह अपने शत्रु का भी पता प्रकृति से नहीं पूछता पाया है। यही कारण है कि प्रेम का या प्रेमी प्रकृति के साथ अपने जीवन का जैसा सहचार्य मानते हैं वैसा और कोई नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश किया है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है, वह क्रोध शोक विस्मय उत्साह जुगुप्सा आदि में नहीं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है, वह क्रोध सुख उत्सव में उत्सव इसमें जुगुप्सा आदि में नहीं है। बिरहाकुल पुरुष पक्षी लता ध्रुव सबसे अपनी प्रिया की बात पूछ लेता है, लेकिन वही क्रोध मनुष्य अपने शत्रु का भी पता किसी से नहीं पूछता है। प्रेम का या प्रेमी प्रकृति के साथ जीवन का जैसा साहचर्य मानते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे हमने लिखने की कोशिश भी किया है। मनोवैज्ञानिक का यह तथ्य काव्य में एक प्रणाली के रूप में समाविष्ट कर लिया गया है। प्रिय के अस्तित्व की सृष्टि व्यापनी भावना से जीवन है और जगत की कोई वस्तु अलग नहीं कर सकती, यही लेखक का आशय है, जो दार्शनिक आधार पर सत्य सिद्ध होता है।
तो ये सभी चीज़ आप यहाँ से देख लीजिएगा। अगर प्रत्येक प्रश्न को हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, आप लोग बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे है कि ग्राम गीतों में मानव जीवन के किन प्राथमिक चित्रों का दर्शन होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि ग्राम गीतों में मानव जीवन की उन प्राथमिक चित्रों का दर्शन होते हैं जिसमें मनुष्य साधारण तो अपनी लालसा, वासना, प्रेम, घृणा, उल्लास, यहाँ पे घृणा नहीं है, ध्यान रखिएगा, घृणा लिखा गया है, उल्लास, विषाद, उस समाज की मान्यताओं से ऊपर नहीं उठ सका है और अपनी भावनाओं को प्रकट करने में उसने कृत्रिम शिष्टाचार का प्रतिबंध भी नहीं माना है। तो इस तरीके से ग्राम गीत में जी मानव जीवन के प्राथमिक चित्रों के दर्शन आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान साधारण मनोरंजन भी है, निबंधकार ने ऐसा क्यों कहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि गीतों का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। निबंधकार ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि स्त्रियां प्रकृति में गृहस्थ कर्म विधान की ओर जो स्वभाव प्रेरणा है उससे गीतों की रचना का अटूट संबंध है। जैसे चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, चरखा काटते समय अपनी शारीरिक श्रम करने के लिए गीत गाया करते हैं जिससे उनकी थकावट महसूस ना हो और उनका ध्यान अपने काम पर ही लगा हुआ रहे। और इतना ही नहीं, पुरुषों ने भी गीतों का सहारा लिया है, नाव को खेने के लिए, हल जोतने के लिए, पालकी ढोने के लिए, इन सभी कामों में समय समय पे पुरुषों ने भी उपयोग लिया है, जिससे साबित हो जाता है कि गीतों के जरिए श्रम और मनोरंजन दोनों हो सकता है। कि ग्राम गीतों के मुख्य विषय क्या है, पर उत्तर दें। तो ग्राम गीतों के मुख्य विषय पारिवारिक जीवन से संबंधित है। निबंध में सुधांशु जी ने यह बताने की कोशिश की है कि किस तरह स्त्रियां जन्म, मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह, पर्व त्योहार आदि के अवसर पर गीत को गाती हैं। इतना ही नहीं, इनमें ज्यादा प्रेम, विवाह तथा पतोहू और सास ससुर के बर्ताव, माँ भाई, बहन का समय आदि बातें ही ज्यादातर गीतों में पाई जाती है। इन सभी बातों से साबित होता है कि ग्राम गीत का मुख्य विषय पारिवारिक जीवन है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 14, किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर के जो काव्य रचना की जाती थी, किन स्वाभाविक गुणों के कारण साधारण जनता के हृदय पर उनके महत्व की प्रतिष्ठा बनती थी। हमने उत्तर लिखा है कि राजा, रानी, राजकुमार या राजकुमारी या ऐसे ही समाज के किसी विशिष्ट वर्ग के नायक, इनका प्रधान कारण था कि इन व्यक्तियों की जो कारण थी वह साधारण जनता के हृदय में इनकी महत्व ही प्रतिष्ठा बनी हुई थी और इनमें धीरोदत्ता, दस्ता, तेजस्विता, रूढ़वंशता, वाग्मिता आदि गुण स्वाभाविक माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि ग्राम गीत की कौन सी प्रवृत्ति अब काव्य गीत में भी चलने लगी है। तो हमने यहाँ उत्तर लिखा है कि राजा, रानी, राजकुमार या राजकुमारी या किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर काव्य रचना में जो उनके चरित्र जैसे माता विशिष्टता, प्रतिष्ठा आदि प्रभाव उत्पादक को लेकर काव्य रचना करने में रस उत्कर्ष का काम बहुत कुछ सामाजिक धारणा के बल पर ही चला जाता था, किंतु साधारण जीवन में चित्रण कवि की प्रतिभा का बहुत सा अंश अपने चरित्र के नायक के विशिष्ट का प्राप्त करने की चेष्टा में खर्च हो जाता था। तो ये सभी जो ग्राम गीत की प्रवृत्ति है अब वह काव्य गीत में भी चलने लगी। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम गीत के मेरुदंड क्या है। तो हमने लिखा है कि ग्राम गीत का जो मेरुदंड है उसमें जिसमें कोई राजा, रानी, राजकुमार या राजकुमारी, दरिद्र इत्यादि की भाव को उद्दीप्त कराने के लिए उपस्थित किया गया हो, तो ऐसे वर्णन को ग्राम गीत के मेरुदंड के रूप में समझे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जितनी व्यापक विधायनी होती है जीवन में उतनी और कोई नहीं है, इसमें आपको स्पष्ट करना है। तो हमने यहाँ पे इसका उत्तर स्पष्ट किया है, आप इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप इसको वीडियो पॉज कर करके भी आप इसको डाउनलोड सॉरी उत्तर लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर आपको खुद से लिखना भी है, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा भी है क्वेश्चन नंबर 18 में
कला गीतों में पशु पक्षी लता ध्रुव आदि से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर में वे प्राय मौन रहे। बिरही यक्ष का मेघदूत भी मौन ही रहा है। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? तो हमने यहाँ पर लिखा कि हाँ मैं सहमत हूँ, क्योंकि आप होंगे तो उसमें जब सीता की हरण हो जाती है तो जो राम होते हैं वे सभी से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछने का मतलब वे पेड़ पौधे लता पता जो भी मिलता है उनसे वे अपनी पूछते हैं, लेकिन फिर भी वे मौन रहते हैं। और इसी में हमने बताया कि जो हनुमान दूत बन करके आए थे वो भी एक जानवर के ही रूप में थे, एक वानर के ही रूप में थे, तो उसी तरीका से आप समझ सकते हैं। 19 का उत्तर आपको खुद से लिखना है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक।